नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीप इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं वेल्थ क्रिएशन का एक बेहतरीन आइडिया आपके सामने पेश करूंगा दोस्तों, जहां पे दोस्तों पेनी स्टॉक है। दोस्तों पेनी स्टॉक इसको बोला जाता है जिसको जिसकी वैल्यू सिंगल डिजिट में हो या 10 रुपये के आसपास हो। दोस्तों ये स्टॉक है दोस्तों जो बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। मैं आपको विथ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्यों ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों पहले हम चार्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर कंपनी क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, तो पूरा डिटेल देखेंगे। और दोस्तों आपको पता है कि पैनी शेयर में रिस्क ज़्यादा होता है पैसे खोने का। दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी भी कंपनी बंद हो जाती है, डीलिस्टेड हो जाती है, पैसा जीरो हो जाता है। बट दोस्तों ये कंपनी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है और डिविडेंड देने वाली कंपनी है। दोस्तों एवरी ईयर डिविडेंड दे रही है। दोस्तों कितने पेनी स्टॉक होते हैं जो एवरी ईयर डिविडेंड देते हैं दोस्तों, और हमारे पास ऐसा बेहतरीन लेवल है ट्रेड करने के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों, और बहुत ही बड़े टारगेट है दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर। तो पहले चार्ट के ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं, फिर हम चलेंगे कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर और वैल्यूएशन के ऊपर। तो पहले आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ये वीकली चार्ट है दोस्तों, वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों मैं अभी आप देखोगे ये कंपनी का सफ़र पहले दिखा देता हूँ मैं आपको, कि कंपनी जो लिस्ट हुई थी वो 2000 का जो डेटा है हमारे पास वहीं से आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में वहीं तक का डेटा रहता है दोस्तों। तब 0.91 पैसा इसका प्राइस था दोस्तों, फिर बढ़ा जब ये तेज़ी बनी थी दोस्तों 2008 में, तब प्राइस 12 रुपये हुआ था हाई। और उसके बाद जो हाई बना था दोस्तों वो 2014 में बना था जब तेज़ी हुई थी, और उसके बाद बना था 2017 में दोस्तों, और अभी उस लेवल को तोड़ के आगे बढ़ चुका है दोस्तों। मैंने भी अपने चैनल के ऊपर ये स्टॉक को रेकमेंड किया था जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आने वाला था दोस्तों। क्यों ब्रेकआउट आने वाला था मैं आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पे एक चैनल का ब्रेकआउट है दोस्तों, आप एक देख सकते हैं चैनल को, यहाँ पे एक चैनल है, यहाँ पे मैंने रेकमेंड किया था जब रेजिस्टेंस को टच किया था, तब उसका जो प्राइस था वो 10 रुपया था, और 10 रुपये के नीचे ही ट्रेड कर रहा था वो स्टॉक। और क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस था दोस्तों, आपको दिख रहा है चार्ट के ऊपर 10.50 का जो मल्टीपल रेजिस्टेंस था वो उसने तोड़ के दोस्तों तोड़ने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, वो नेगोशिएट किया और ट्रेंड लाइन को भी नेगोशिएट किया, और ये वीक में उस वो जो रेजिस्टेंस था 10.50 का उसको तोड़ दिया और क्लोजिंग दिया 11.70 का दोस्तों। और आप वॉल्यूम देखोगे तो बेहतरीन वॉल्यूम दिया है दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन है जो लाइफ टाइम हाई की लाइन थी 12 रुपये की, वो भी मैंने तभी आपको ड्रॉ करके बताया था कि दोस्तों ये जो लेवल है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोस्तों। काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा अपने को 10 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 14 रुपये तक की मूवमेंट दी पेनी स्टॉक ने और नीचे आ गया। बट दोस्तों क्या 4 रुपये के लिए पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है 40% रिटर्न के लिए? तो नहीं दोस्तों, इसमें बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न बन सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। बट अब हम चलते हैं दोस्तों कंपनी के जो अच्छी बातें हैं और बुरी बातें क्या है। दोस्तों पेनी स्टॉक है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि बुरी बातें तो रहेगी। अच्छी बातें ये है दोस्तों, बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 0.8040 टाइम, यानी कि वैल्यूएशन सस्ता है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है दोस्तों 1.70% ओवर लास्ट क्वार्टर दोस्तों, तो ये अच्छी बात है कि पेनी स्टॉक को प्रमोटर दोस्तों बाय कर रहा है, यानी कि उसको अपनी कंपनी के ऊपर फेथ है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्तों कि डिविडेंड भी ये कंपनी देती है सालों साल। अभी कंपनी हैज़ अ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कम था, टैक्स रेट बहुत ही कम है, और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अ 6.55 दोस्तों, और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट दोस्तों। पेनी स्टॉक का सबसे बड़ा दुख का नस होता है वो है इंटरेस्ट कॉस्ट दोस्तों, क्योंकि इनका जो बर्डन रहता है इंटरेस्ट का वो ज़्यादा होता है दोस्तों। मार्केट कैप सिर्फ 106 करोड़ है दोस्तों, अभी का प्राइस 11.70 है दोस्तों, स्टॉक का P12 है दोस्तों, बुक वैल्यू 13.9 है दोस्तों, डिविडेंड यील्ड है दोस्तों जो मैंने आपको बताया वही है 0.433, और फेस वैल्यू है 1 का दोस्तों। ROC की बात करें तो 7.24 है, ROE 6.97 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोस्तों 3.35 है, PEG रेशियो भी ठीक ठाक है दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिंगल डिजिट में है तो बहुत ही कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी
मैनेजेबल है 0.48 दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.97 दोस्तों। जब भी हम डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं पैनी स्टॉक में तो ये जरूर एक से कम ही होना चाहिए दोस्तों, और इंडस्ट्री का पी है 11.5, तो उसी के आसपास चल रहा है। सेल्स ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है, तो अब क्यों आएगा सेल्स ग्रोथ में वो भी हम बात करेंगे दोस्तों। कंपनी का दोस्तों नाम है बसंत एग्रोटेक लिमिटेड दोस्तों। बसंत एग्रोटेक 130 ईयर ओल्ड कंपनी है दोस्तों, भारतीय ग्रुप ऑफ अकोला इंडिया की दोस्तों, और उन्होंने पब्लिक इश्यू किया था 1990 का दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों बसंत एग्रो का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है इन 8 लोकेशन अक्रॉस 6 सिटीज एंड 3 स्टेट्स दोस्तों, और टॉप SSP सप्लायर है दोस्तों। फर्टिलाइजर डिवीजन की दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें भी इनके 3 NPK फर्टिलाइजर है। NPK है ग्रुप ऑफ कृषि संजीवनी 2020-0, कृषि संजीवनी 2020-10 है दोस्तों, और SSP फर्टिलाइजर भी है इनके पास। तो दोस्तों बहुत ही लीडिंग कंपनी है। SSP इज अ सिंगल सल्फर फॉस्फेट जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फार्मिंग के लिए दोस्तों, और उनका जो सीड डिवीज़न है दोस्तों जहाँ पे वेजिटेबल की बात करें, फील्ड क्रॉप की बात करें, ऑयल सीड की बात करें, और काफ़ी रिसर्च फैसिलिटी भी है दोस्तों। और आप ऑर्गेनिक का तो अभी ज़माना आ गया है कोरोना के बाद, तो दोस्तों ग्रास पाउडर है, मुर्गे का लीप पाउडर है, तो वैसे बहुत सारी वेराइटी ऑफ आइटम्स जो है वो भी ये डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। और बात करते हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के दोस्तों, तो स्प्रे पम्प है विथ लिथियम बैटरी, वो अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी सेल कर रहे हैं दोस्तों, और स्प्रे पम्प है विथ लिथियम बैटरी दोस्तों, और फेनरोमेंट ट्रैप है दोस्तों। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है दोस्तों, कंपनी डे बाय डे इंक्रीज कर रही है अपना प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो। अभी हम बोल सकते हैं कि ये पूरा एग्रीटेक जो होता है एग्रीकल्चर के लिए जो चाहिए वो सारे वो कर रहे हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं पीयर्स के साथ कैसा है उनका वैल्यूएशन दोस्तों। तो दोस्तों जाहिर सी बात है स्मॉल कंपनी है दोस्तों, 106 करोड़ का ही मार्केट कैप है, और अगर हम बात करें तो पी वैल्यूएशन है वो 12 का है दोस्तों। बाकी जो उनके प्लेयर है उसके तो काफ़ी कम है, और दोस्तों जब भी हम बात करें पैनी स्टॉक की तो दोस्तों वैल्यूएशन सस्ता ही होना चाहिए, अगर महंगा वैल्यूएशन आएगा तो हमें प्रॉब्लम देगी। और दोस्तों FACT जो है वो भी डिविडेंड नहीं देती है, बट ये डिविडेंड दे रही है दोस्तों, और एवरी ईयर डिविडेंड दिया है। अब थोड़े डिस्कस कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर दोस्तों। तो प्रमोटर के जो होल्डिंग पैटर्न है, जो मैंने बताया कि प्रमोटर ने अपने होल्डिंग इंक्रीज़ की है दोस्तों, पहले थोड़ा घटाया था एक क्वार्टर में, फिर उन्होंने इंक्रीज कर दिया है दोस्तों, और काफ़ी तगड़ी होल्डिंग रख के रखी है। और अगर लास्ट 3 साल की बात करें तो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी पीक के ऊपर है दोस्तों, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 47.03 है दोस्तों। अब मैंने जो बताया था डिविडेंड की बात, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2020 में भी इन्होंने डिविडेंड दिया था दोस्तों, वो 0.005 पर शेयर, बट सर दोस्तों तो प्राइस भी बहुत कम था स्टॉक का। अब प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगा डिविडेंड का भी आउटपुट आएगा। आप देख सकते हैं कि 2013 में 0.008 पर शेयर 8% डिविडेंड कंपनी ने दिया था दोस्तों, और ये 1 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, इसलिए आपको वैल्यू कम लग रही है दोस्तों। तो ये दोस्तों एवरी ईयर डिविडेंड दे रही है, एक दो साल बीच में दिया नहीं है 2015 और 14 में, बट बाकी अच्छा मूवमेंट कंपनी डिविडेंड देने वाली है, और आने वाले टाइम में दोस्तों काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखती है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर दोबारा, कि अभी ब्रेकआउट आया है तो बट ऑब्वियस है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 10.56 यानी कि 10.50 का रहेगा दोस्तों। अब टारगेट क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो टारगेट लंबा टारगेट जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, बट दोस्तों आगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहता है, जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनके लॉन्च क्या रहते हैं उसके ऊपर रहेगा दोस्तों। तो अभी का जो रिट्रेसमेंट का जो टारगेट है, जो हमने ब्रेकआउट लेवल जहाँ पे टूटा है और जो स्विंग लो बना था वो रहा था, वो दोस्तों 2 रुपये का स्विंग लो है, यानी कि 2 रुपये का अगर शेयर होता है, अगर उसमें भी आपको 5 पैसा डिविडेंड मिलता है तो वो भी गलत नहीं होता है, क्योंकि वो वहाँ पे अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो बहुत होता है, और 2 रुपये का शेयर आज हो गया है 11-12 रुपये का। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो पहला टारगेट निकल के आता है रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से वो है 15.74 दोस्तों, आप नोट करके रखो दोस्तों 15.74, और ये बहुत ही सटीक फॉर्मूला है दोस्तों। हमने इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी मैंने आपको 310 का टारगेट बोला था, वहीं से टच हुआ और फिर नीचे आया स्टॉक दोस्तों,
और वैसा ही मैंने मॉर्फेन लैब में बोला था, वहाँ से टच हुआ फिर नीचे आए। दोस्तों ये सटीक है, रिट्रेसमेंट लेवल से हमें जो टारगेट पॉसिबल होता है 161.8% का, वो सटीक आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों एक बार ये 12 का लेवल क्लोज होगा तो तुरंत ही 15 के लेवल हमें मिलेंगे। और दोस्तों अभी पैनी स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट है, कैश के शेयरों में बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है। तो दोस्तों ये चांस है कि यहाँ पे सिर्फ आपको 1 या 1.5 रुपये का रिस्क लेना है और वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है दोस्तों। दोस्तों अगर आप ये स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो फ्री में डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है दोस्तों। और ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।